अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द टाइटेनियम ग्रुप। एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आया जिया बगर रोड के ऊपर ऐसी सोसाइटी जो कि एलडी अप्रूवल के साथ साथ आपको प्राइस की जो है वो अपडेट्स भी देता हूँ। प्राइसेस बड़ी इकोनॉमिकल हैं। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थैंक यू। अगर मैं बात करूं जिया बगर रोड के ऊपर पार्क एवेन्यू की, पार्क एवेन्यू एक ऐसी सोसाइटी जिसने डिलीवरी के साथ साथ अपने अप्रूवल्स को भी मद्देनजर रखा हुआ है। अगर मैं इसके अप्रूवल्स की बात करता चलूं, अप्रूवल्स एलडीए से ये लोग अपने साथ साथ ही चलते लेके जा रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फर्दर अपनी प्राइसिस को भी ये लोग पोटेंशियल दे रहे हैं। अगर इसमें मैं आपको बताता चलूँ, आप ए और बी के अंदर जो कि कमर्शियल की बैक पे 5 मरला आता है और इसमें 10 मरला की आती हैं कटिंग्स जो हैं। 5 मरला की अगर मैं आपको प्राइसेस बताता चलूँ तो 5 मरला आपको 45 to 50 के ब्रैकेट के अंदर, ये मैं आपको मिनिमम टू मैक्सिमम इसलिए बता रहा हूँ कि मिनिमम 45 और मैक्सिमम 50 to 55 के ब्रैकेट के अंदर आपको 5 मरले की कटिंग मिल जाती है। इसके एलडीए के अप्रूवल के रकबे की भी अगर मैं बात करता चलूँ तो 1785 किनाल जो कि अभी कुछ अर्सा पहले अपडेट्स थी कि इन्होंने एलडीए अप्रूव करवाया है। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि एलडीए अप्रूव्ड बाद में हो रही है और सोसाइटी पहले लॉन्च हो रही है। सोसाइटी पहले लॉन्च इसलिए होती है कि वो हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को पहले बेनिफिट्स देती है, हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को ही जो है ना, जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर, वहाँ पर वो उनको बेनिफिट्स देते हैं। और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होना शुरू होता है, अपने मराहल पे पहुंचना शुरू होता है, फिर उसके कुछ अर्से के बाद अब एलडीए के अप्रूवल्स देते हैं। पहले भी मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी में और नॉन एलडीए अप्रूव्ड जो कि टीएमए अप्रूव्ड आप मिनिमम कह लें अप्रूव्ड हुई होती हैं, उनके अंदर प्राइसेस इसलिए डिफर होती हैं कि उनके अंदर स्ट्रगलिंग फेस होता है, स्ट्रगल का एक टाइम होता है जो एक सोसाइटी ने निकाला हुआ होता है। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताता चलूं बहरिया टाउन की, बहरिया टाउन अगर आप 2008 में देखें और 2018 में 20 में अब 22 आ गया है, अगर आप इसको अभी देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरह शरदपुर में भी यही हुआ, अलून ऑर्चर्ड में भी ऐसे ही है चल रहा है, एलडीए के अप्रूवल भी इसी तरह ही आए हैं और जिया बगा में पार्क एवेन्यू ने भी अपने आप को इसी तरह ही सस्टेन किया है और अपने मार्केट को पोटेंशियल दिया है। ना सिर्फ ये कि ये कस्टमर का एतमाद बरकरार रखती है ये चीज़, बल्कि ये आपके साथ साथ एक ना अथेंटिसिटी भी लेकर आते हैं जो कि आपको खुद इस चीज़ में श्योरिटी होती है। अगर कोई नया बंदा उसमें जा रहा होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या उस अपने एक अपना ज़िंदगी का माल जमा करके घर बनाने की ख्वाहिश रखता है, वो कम से कम इस अथेंटिसिटी के साथ और एक एतमाद के साथ जो है वो अपना घर बना सकता है या प्लाट ले सकता है। तो इसमें मैं आपको 10 मरले की अगर कटिंग बताता चलूँ, 10 मरले की कटिंग जो है वो 75 to 85 or 90 तक के ब्रैकेट में आपको मिलता है 10 मरले का प्लॉट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन है। और एलडी अप्रूव्ड में भी मैक्सिमम और नॉन एलडी अप्रूव्ड एरिया में मिनिमम मैंने आपको ये प्राइसेस बताई हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए शरदपुर है, रेमिन रोड है, अतिहार टाउन है, लिबर्टी मिड सिटी वगैरह, अगर आप इसके हवाले से कोई मज़ीद फर्दर इसके हवाले से अगर मज़ीद कोई आप डिटेल्स लेना चाह रहे हैं तो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे रابطہ कर सकते हैं। सेम मेरा यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, वीमो पे भी रजिस्टर्ड है, आप मुझे उस पर कॉल करके एनी टाइम फॉर ओवरसीज आप मुझे आप मेरे दिए हुए ईमेल पे भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।